टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक निधन हो गया। बता दें कि सिद्धार्थ की उम्र महज 40 साल की थी। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत ही फैन फॉलोइंग थी। इन दिनों वो अपने करियर के पीक पर थे। उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया था। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, लेकिन उसके बाद वो उठ नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। सीरियल बालिका वधु से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपनी एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में वो बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में नजर आए थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधु सीरियल से बनी थी, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। बिग बॉस 13 से उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। उनकी जोड़ी को पंजाबी एक्ट्रेस सहनाज गिल के साथ काफी पसंद किया गया था। दोनों हाल ही में बिग बॉस OTT में भी नजर आए थे। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में नजर आए थे। उन्होंने सावधान इंडिया और इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट भी किया था। 2008 में सिद्धार्थ शुक्ला ने सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना में काम किया था। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई के हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला पिछले दिन तक लगातार काम कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। अब तक फैंस ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं। सिद्धार्थ के अचानक निधन ने सोशल मीडिया के साथ साथ आम जनता को भी सदमे में डाल दिया है। लोग अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्टर का देहांत हो चुका है। आपको एक बार फिर से बता दें कि एक्टर की उम्र महज 40 वर्ष ही थी और इनकी हार्ट अटैक से आज मृत्यु हो गई।